योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, तो नए कार्यालय का उद्घाटन है ये इन्वेस्ट यूपी के, तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में इनका 2060 करोड़ का निवेश, एसपीएनके इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शाहजहांपुर जनपद में 2060 करोड़ का इनका निवेश है। रोस्टर ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जनपद मुरादाबाद में 3515 करोड़ का इनका निवेश है। बांके बिहारी संभल जनपद में इनका 279 करोड़ का निवेश है। गंजम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जनपद लखनऊ में पोटैटो फ्लेक्स एवं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 1170 करोड़ का इनका निवेश है। वेदांत एग्री प्रोमोशंस प्राइवेट लिमिटेड जनपद संभल में 1031 करोड़ का इनका निवेश। मिस्टर ड्राई फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड कैश्यू प्रोसेसिंग जनपद बिजनौर में 740 करोड़ का इनका निवेश। विदुर भूमि एग्री कैश्यू प्रोसेसिंग में जनपद बिजनौर में ही 538 करोड़ का इनका निवेश। विदुर भूमि भारतीय फूड्स इनका निवेश 165 करोड़ का लखनऊ जनपद में। तत्पश्चात कृष्णा एरोमेटिक्स मेथनॉल ऑयल में जनपद संभल में 125 करोड़ का इनका निवेश है। तत्पश्चात मैं आग्रह करूंगा बीपीसीएल से यूपीडा के माध्यम से गोरखपुर एक्सप्रेस बीपीसीएल वेसाइड एमिनिटीज एक्सप्रेसवे के अलावा इनके द्वारा निर्मित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले विगत वर्ष इन्वेस्ट यूपी को जो निर्देश दिए गए थे उद्यमी मित्रों की नियुक्ति तथा उनके कार्य हेतु, तो सर ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपके डायरेक्शंस में विगत एक वर्षों के अंतर्गत उद्यमी मित्रों के द्वारा कई उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि इस एक साल की जर्नी की एक बुकलेट को कृपया रिलीज करने का लक्ष्य बहुत धन्यवाद सर। आपकी अनुमति से अन्य जनपदों तथा यहाँ लखनऊ में आज इस सभा कक्ष में उपस्थित हमारे उद्यमी बंधुगण हैं, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम। मैं सर्वप्रथम श्री मनोज गुप्ता जी से आग्रह करूंगा जो चेयरमैन एमपीओ लिमिटेड से हैं कि वो कृपया अपना अनुभव साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। माननीय सभी माननीय मंत्रियों और नमस्कार उद्यमी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे सर्वप्रथम 2018 में जब मिला था और सीआईआई का तब मैं अध्यक्ष होता था और यूपी स्टेट का, और उस समय जब मैं डेलीगेशन के साथ आपसे मिला था और जब मैंने आपको बधाई दी कि आपके औद्योगिक विकास के आयुक्त मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, सीओ इन्वेस्ट यूपी श्री अभिषेक प्रकाश जी, आज यहाँ लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के इस नवनिर्मित कार्यालय में उपस्थित हमारे सभी उद्यमी बंधुगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हमारे औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई जो अथॉरिटीज हैं उनके जो सीओज हैं, वहाँ पर जो हमारे उद्यमी हैं और अन्य उद्योग बंधु से जुड़े हुए सभी जनपदों के हमारे जिलाधिकारी और उपस्थित हमारे सभी बहनों और भाइयों, आज एक नई शुरुआत उद्योग बंधु से वेस्ट यूपी
एक साकार और मूर्त रूप में अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आपके सामने है। मैं इसके लिए उद्योग विभाग के साथ साथ इन्वेस्ट यूपी और सभी उद्यमी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मैं आभारी हूं आप सबका, क्योंकि आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई विश्वास नहीं करता था और शुरुआती दिनों की स्थिति मेरे सामने थी। किन चुनौतियों से हमने उत्तर प्रदेश को भरने के लिए उस समय जब अहर्निश प्रयास कर रहे थे, हम लोग जिससे भी बात करते थे वह उत्तर प्रदेश से अपने निवेश को ले जाने की बात तो करता था, लेकिन लाने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा तैयार नहीं होता था। और आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होना है, यूपी उसका एक नजीर प्रस्तुत कर रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अभी आदि में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए क्या प्रयास होने से है। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कल्पना थी, लेकिन वह आज हकीकत बन चुकी है और वह भी आप सबके विश्वास के कारण हुआ है। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने नए भारत के ने उत्तर प्रदेश को देखा है, इसमें आप अपना व्यवसाय भी लगा रहे हैं, अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, अपना उद्यम भी लगा रहे हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल है तो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है, एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, रेलवे का है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बेहतर कनेक्टिविटी है। एयर कनेक्टिविटी में आज देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील है। मैं आज ही दिन में इस बात का देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने परसों आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, क्या उसकी प्रोग्रेस है। मुझे पता लगा कल से ही वायु सेवा उन एयरपोर्ट्स में प्रारंभ हो चुकी है और पूरा फुल होकर के जा रहे हैं। जो फ्लाई है, कोई कल्पना करता था आजमगढ़ जिसके नाम से लोग डरते थे, आज वायु सेवा से जुड़ चुका है। एयरपोर्ट की सुविधा, एक्सप्रेस हाईवे की सुविधा, यूनिवर्सिटी वहां पे स्थापित हो चुकी है। श्रावस्ती एकदम नेपाल से सटा हुआ एक छोटा सा जनपद, लेकिन आज वहां पे एयरपोर्ट वायु सेवा वहां प्रारंभ हो चुकी है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले यूपी में क्या होता था, एनसीआर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तक सीमित होता, बाद होता था मेरठ तक। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश हुए हैं, सभी 75 के 75 जनपदों में। ये चीजें दिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश का जो आकर्षण है वह समान रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ वास्तव में देश की इकोनॉमी के लिए यह एक बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा, इस रूप में यह कार्य कर रहा है। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़े थे, कानून व्यवस्था के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़े थे, पुलिस में रिफॉर्म करने पड़े थे, हमें सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए निरंतर उसको फॉलो अप करना, उसकी मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ा था। इसके साथ ही यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहां 14वें स्थान पर थे और कहां हम देश के अंदर 4 अचीवर स्टेट हैं, उनमें से यूपी एक है। हमें आज हम लोग नंबर 2 पर तो 2019-20 में ही आ गए थे, लेकिन आज यूपी देश के अंदर उन 4 राज्यों में से है जिन राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है, उनमें से यूपी एक बन चुका है। यूपी के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम लोग अपने इन्वेस्टर को विश्वास दिला सकते हैं कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और इसमें खासतौर पर अभी हमारे जिन उद्यमियों ने यहां पर अपनी बात को रखा है, निखिल जालान गोरखपुर से जुड़ नहीं पाए थे,
लेकिन उनका उद्योग गोरखपुर में बहुत अच्छा उन्होंने लगाया है, मैं पहले भी देखा है उनके, उन्होंने अच्छा उद्यम वहां पे लगाया था। और मुझे एक बार ये भी मालूम है कि उनका वहां पे टेक्सटाइल का जो यूनिट था वहां पे किस तरीके से तत्कालीन सरकार के संरक्षण में तालाबंदी करवा दी गई थी। आज उनके टेक्सटाइल का उद्यम भी और स्टील का उद्योग भी बहुत अत्याधुनिक उद्योग उनका गोरखपुर में संचालित हो रहा है, बहुत अच्छा वहां पे कार्य कर रहा है। ऐसे ही डिफेंस कॉरिडोर में आप सभी ने रुचि ली, आज वह देश के अंदर सबसे सफलतम मॉडल बनकर के आगे बढ़ रहा है। निवेश मित्र का जो सिंगल विंडो सिस्टम यूपी ने दिया है, प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही प्रदेश ने निवेश सारथी एमओयू मॉनिटरिंग के लिए जो उपलब्ध कराया, वह निरंतर कार्य कर रहा था। अपने यहां के सिस्टम को देखा, उद्यमी मित्र सीएम उद्यमी मित्र जिस रूप में प्रदेश के अंदर हर जनपद में और डेवलप हमारे औद्योगिक अथॉरिटी में काम कर रही है, वो अभी आपके सामने, उनको फॉलो अप होना, उनकी एक एक कार्य को ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी एक सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है। हर एक इन्वेस्टर वो हमारे लिए अभिनंदनीय होना चाहिए, हमें इस मिथक को तोड़ना पड़ेगा कि उद्यमी को हम प्रताड़ित करेंगे तो वह हमारी तरफ आकर्षित होगा। नहीं, हमें उसको अधिकाधिक सुविधा संपन्न देना और सुरक्षित माहौल भी देना है, और सुरक्षित माहौल में उनके साथ हमारा व्यवहार दोस्ताना पूर्ण होना चाहिए। हमारा व्यवहार शासक और प्रजा का नहीं होना है, हम प्रजा के सेवक के रूप में कार्य करेंगे, और वह आकर के यहाँ निवेश करेगा उसको सुरक्षा की गारंटी हम लोगों को देनी ही पड़ेगी। हर एक प्रकार की सुरक्षा उसको उपलब्ध कराना यह शासन की मंशा है, सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और इसी के लिए फिर हम लोगों ने यूपी में अपनी पॉलिसी तैयार की। मेरा यह मानना है पॉलिसी के दायरे में रह करके हम लोग हर एक निवेशक को उनकी इंसेंटिव को भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाने के सामने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई बैरियर इस मार्ग में नहीं आएगा, बैरियर आएगा तो उसको खाड़ फेंकने के लिए हमें जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए कदम उठाएंगे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बाधा है, और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से, नौकरियों से वंचित करने का भी एक षड्यंत्र का हिस्सा होगा। इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और मैं इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, इन्वेस्ट यूपी, उद्योग बंधु से इन्वेस्ट यूपी का आना यह अपने आप में एक रिफॉर्म है, लेकिन इसके रिजल्ट भी दिखने चाहिए, और इसके रिजल्ट, पहले रिजल्ट तभी आए हैं जब पहली बार 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। लोग देख रहे हैं आज, मुझे याद है राज्य से एक टीम आई अभी हाल ही में मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मुझसे पूछा, अचानक आए, उन्होंने कहा साहब क्या आपके यहाँ सचमुच यूपी का बजट आज 7.5 लाख करोड़ का है? मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहने साहब आज से 6 वर्ष था तो 6 वर्ष पहले तो 2 लाख करोड़ का था, 7 वर्ष पहले 2 लाख करोड़ का था। मैंने कहा 6 वर्ष पहले का यूपी अब नहीं है, अब तो एक नया यूपी है, और इस नए यूपी में 7.5 लाख करोड़ से हम संतुष्ट नहीं होने वाले। मेरा तो यह मानना था 10 लाख करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। का ग्राउंड ब्रेकिंग में जो आपके डाटा आए हैं क्या ये ऑर्गेनिक है? मैंने कहा यही प्रश्न तब भी उठे थे जब हमने यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया था, हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था तब भी उठे थे कि 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव क्या ये ऑर्गेनिक हैं? ये प्रश्न मुझसे उस समय भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैं मौन रहा। मैंने कहा भी इसका जवाब समय दे देगा, लेकिन मैं देखता था कि चौथे पांचवें दिन उन्हीं लोगों के फोन मेरे पास आने लग गए कि हमें प्रसन्नता है कि आपके सभी डाटा ऑर्गेनिक हैं, और जब ये जमीनी धरातल पर उतरे हुए, मैंने कहा तो हमारे पास सूची है 14,000 कौन कौन सी यूनिट कहाँ लग रही है, आप इसको देखिए और आपको लग जाएगा कि फेक है या ऑर्गेनिक है। हमारा जो भी कार्य है ये सब टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ऑनलाइन है, आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और आज जब यहाँ पर ये सब कार्य हो रहा है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ हो,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए एमएसएमई का जो बेस होना चाहिए उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे अच्छा है। मैन पावर आपके पास यूपी के अंदर है और एक बेहतरीन लैंड बैंक भी यूपी के अंदर हम लोग बना रहे हैं। इसके लिए भी हमने अपने राजस्व संहिता में जितना संशोधन होना था उतना संशोधन हम लोगों ने इसमें करते हुए लोगों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करने का प्रयास किया है। एफडीआई की पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य है और इसमें भी हम लोगों ने जो इंसेंटिव देने की कार्रवाई की है अभी हमारे और भी रिफॉर्म होने जा रहे हैं क्योंकि आज की आवश्यकता है यूपी को $1 trillion की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना भी पड़ेगा, फैसिलिटेशन की सुविधा अधिक से अधिक हमें उपलब्ध करानी ही पड़ेगी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की भावना और उनके मानसिक रूप से इस कार्य के लिए तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने यूपी पे जो विश्वास किया है उनके विश्वास पर ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी तरह खरा उतर करके उनकी भावनाओं के अनुरूप एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध होने को कराएगा। मैं आज के इस इन्वेस्ट यूपी के इस नए भवन के शुभारंभ के अवसर पर नए कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर इन्वेस्ट यूपी को और औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि हमें इस दिशा में और भी रिफॉर्म करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। इन लोगों उद्यमियों को आज यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट वितरित हुए हैं या इंसेंटिव ऑनलाइन मॉनिटरिंग इंसेंटिव मॉनिटरिंग की जो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हुई है उन सबको मैं बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबका एक बार फिर से मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इन्वेस्ट यूपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस कार्यालय को लेकर तमाम जानकारियां साझा की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए भी नजर आए।